एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह जंगल में घूम घूम कर परेशान हो गई, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह परेशान होकर भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहाँ शिकार के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक कौवा अपने मुंह में एक रोटी लेकर आता है और खाने के लिए उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जिस पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी हुई थी। कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और रोटी को पाने के लिए लोमड़ी अपना दिमाग दौड़ाने लगती है और थोड़ी देर बाद कौवे से कहती है, अरे कौवे भाई, मैंने सुना है कि आप बहुत मधुर गाना गाते हैं। आपसे अच्छा इस जंगल में कोई भी पशु पक्षी गाना नहीं गा पाता। मेरे बच्चे तो आपका ही गाना सुनकर रोज सोते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा कहता है, क्या बात कर रही हो लोमड़ी बहन, आज तक तो किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की कि मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो जंगल के पशु पक्षी मुझे गाली देते हैं और अपना कान बंद कर लेते हैं। अरे लोमड़ी बहन, आप भी मेरा मजा ले रही हो? कौवे की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, अब आप जैसा सोचो कौवे भैया, लेकिन आप मेरे बच्चों के लिए प्लीज एक बार गाना गा दीजिए जिससे मेरे बच्चे सो जाएं। आज तो सभी लोग जग रहे हैं और मैं परेशान हो गई हूँ। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप एक बार गाना गा दीजिए। चालाक लोमड़ी की बात सुनकर कौवा मन ही मन फूले नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मैं इतना मधुर गाना गाता हूँ कि जंगल के सभी पशु पक्षी के बच्चे मेरा गाना सुनकर ही सोते हैं। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कौवा लोमड़ी से कहता है, ठीक है लोमड़ी बहन, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मेरा गाना रोज सुनेंगे तभी मैं गाना गाऊंगा, नहीं तो मैं गाना नहीं गाऊंगा। कौवे की बात सुनकर लोमड़ी कौवे की शर्त मान लेती है और कौवा अपना गाना सुनाने लगता है। जैसे ही कौवा काँव काँव करने लगता है, उसके मुंह से रोटी जमीन पर गिर जाती है और लोमड़ी रोटी को लेकर वहां से भाग जाती है और कौवे के हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का हाल भी कौवे की तरह हो सकता है।